Assalamu alaikum students. In Pakistan Affair lecture series, we are going to discuss on Pakistan Affair 2021. First, we have a question. Enumerate the measures adopted by Pakistan to spotlight on the plight of Kashmiri people in the Indian occupied Jammu Kashmir after 5th August. 5th August 2019. इसमें इंडिया की तरफ से आर्टिकल 370 दिया गया, ठीक है जी। अब इस सिचुएशन को देखते हुए आपने इनमरेट करना है उन मेजर्स को जो कि पाकिस्तान ने लिए। पाकिस्तान का क्या इसमें किरदार रहा, पाकिस्तान ने किस तरीके से अपने क्या मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए जो कश्मीरी पीपल्स का इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आफ्टर 5 अगस्त 2019 के बाद जो उनकी सिचुएशन थी वो किस तरीके से पाकिस्तान ने उनको स्पॉटलाइट किया, ये हमने यहाँ पे डिस्कशन करनी है इसके ऊपर। अब हम जब स्टार्ट करें तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको एक रिव्यू देना होगा, ठीक है जी। आफ्टर द इंडियन गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रिवोक आर्टिकल 370 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया ने जब ये एक अपना आर्टिकल 370 ये रिवोक किया 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि इसमें एक स्पेशल स्टेटस मिल गया जम्मू कश्मीर स्टेट को, जिसमें मतलब कि वो एज ए इंडियन पार्ट ही एक तरह से जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, और इसमें जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। और इसमें पाकिस्तान ने जो है वो क्या किया, फिर काफी मेजर्स लिए जिसमें हाईलाइट किया उन्होंने कश्मीरी पीपल्स को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। तो जो मेजर्स पाकिस्तान ने लिए वो कौन कौन से थे, सबसे पहले डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लिए अब जो है वो अपनी अवेयरनेस के लिए जो है वो कुछ इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ इश्यूज अराइज किए, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज अराइज किए, डेमोक्रेटिक एफर्ट्स किए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो वो हाईलाइट किया ह्यूमन राइट वायलेशन को जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रही थी, इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के है उसको अर्ज किया, उनको मजबूर किया कि उसके ऊपर नोटिस लें। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार जो है वो उसको पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज किए, और वहां पे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो वो हाईलाइट किया कश्मीर इशू के ऊपर इम्प्लीकेशंस को, डिफरेंट रीजनल पीस स्टेबिलिटी को, और इन जो है वो ये इवेंट्स डिफरेंट अटेंड किए स्कॉलर्स ने, डिप्लोमेट्स जर्नलिस्ट ने ऑल अराउंड द वर्ल्ड से, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोटेस्ट और रैली जो है पाकिस्तान ने काफी सारी ऑर्गेनाइज की जहाँ पे सॉलिडेरिटी शो की गई कश्मीरी पीपल्स के साथ। अब ये रैलीज जो है वो एक्चुअली में हेल्ड की गई बड़ी सिटीज में लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो मेजर सिटीज थे पाकिस्तान के जहाँ पे हजारों लोगों ने इनमें शिरकत की। मीडिया कैंपेन्स चलाई गई, ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो वो प्रोवाइड की गई यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल सपोर्ट थी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरी पीपल्स के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट को एड्रेस करने के लिए अपनी ग्रीवनेस, वो पाकिस्तान की तरफ से कम्प्लीटली प्रोवाइड की गई। इन कंक्लूजन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का ने काफी स्टेप्स लिए स्पॉटलाइट में रखने के लिए इस इशू को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीरीज के इसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस थे, सेमिनार्स थे, प्रोटेस्ट रैलीज, मीडिया कैंपेन्स, ह्यूमैनिटेरियन एड, पॉलिटिकल सपोर्ट वगैरह, ताकि कश्मीर का जो बैटर है वो किसी हद तक रिजॉल्व हो सके, ठीक है जी। नेक्स्ट यू हैव एक्सेलेंट अफगान ओन्ड अफगान लेड सॉल्यूशन ऑफ अफगानिस्तान क्राइसिस। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी जा रही है अफगान ओन्ड अफगान लेड, इस का सॉल्यूशन अफगान क्राइसिस का, ये किस तरफ रेफर कर रहा है कि एक आइडिया है, क्या आइडिया है कि जो अफगान के लोग हैं वो ही होने चाहिए जो कि अफगानिस्तान को लीड करें, ठीक है जी। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को लीड करना, को रिजॉल्व करना था कंट्री के अंदर, ठीक है जी। ये क्या एक सिचुएशन क्रिएट हुई अफगानिस्तान के अंदर, इसका मतलब क्या था कि अफगानी पीपल जो है वो ये था कि उनकी अपनी ओनरशिप हो अपने प्रोसेस के अंदर, और उनकी जो प्राइमरी डिसीजन मेकर्स हों अपने फ्यूचर के लिए, अपने कंट्री के लिए, वो वहां के अफगानिस्तान के लोग ही हों। अब ये जो अफगान ओन अफगान लेड का जो एक कंसेप्ट दिया था, ये इम्पोर्टेंस प्रोवाइड कर रहा था कि जो लोकल ओनरशिप है, जो पार्टिसिपेशन है पीस प्रोसेस के अंदर, उसको ये उजागर कर रहा था। अब इसने क्या किया, साथ साथ ये एक्नॉलेज किया कि जो सस्टेनेबल पीस है वो तभी अचीव हो सकता है जब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैं, उनके भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म हो, और जो वहां के लोग हैं वो इस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जो इन्वॉल्व हो। इस अप्रोच ने क्या किया, जो इम्पोर्टेंस थी बिल्डिंग ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव पीस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेक्टर वन सोसाइटी के तमाम सेक्टर्स, जिसमें वुमेन्स, यूथ, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के तमाम इंक्लूड थे, ये तमाम के तमाम जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है जी। और जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच थी, जो प्रायोरिटाइज कर रही थी नीड्स को अफगान पीपल की और कम्युनिटीज के, वो उसको कर रही थी। अगर प्रैक्टिस के तौर पे देखा जाए तो ये जो अफगान ओन अफगान लेड सॉल्यूशन था, ये
अफगान के जो क्राइसिस रहे वहां पर, जहां पे नेशनल डायलॉग के यहां पे किसकी गवर्नमेंट रहे, ये तमाम स्टेक होल्डर्स के दरम्यान में एक डायलॉग के तौर पर, या पॉलिटिकल लीडर्स हैं या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान की, तो इसने एक्चुअली में इनेबल किया अफगान पीपल को कि जो की इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस करें और उन्हें कंट्री को लास्टिंग पीस की तरफ जो वो लेकर जाए। अब ये जो स्लोगन था, ये आइडिया था जो अफगान ओन अफगान लेड वाला, इसने काफी ज्यादा सपोर्ट मिली इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, इंक्लूडिंग जो यूनाइटेड नेशंस थे उनकी तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जैसे कि SCO है, और इन्होंने मतलब इसे ऐसे क्रूशियल कंपोनेंट के तौर पर इस चीज को एग्री किया कि ये जो अफगान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहां पे जो सस्टेनेबल पीस हो सकता है रीजन के अंदर, वो इसी स्लोगन के तहत, इसी आइडिया के तहत जो वो रिवाइव हो सकता है। ठीक है, ये नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, हाउ सीपेक फेज 2 विल ग्लोबलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान। जो सीपेक का फेज 2 है वो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्लोबलाइज कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो सीपेक का जो सेकेंड फेज है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है सिग्निफिकेंट बेनिफिट पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फेज 2 के यहाँ पे क्या क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डेवलपमेंट है यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, ये उनको एक जोन प्रोवाइड करेंगे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, दूसरे सेक्टर्स में, और इससे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जॉब क्रिएशन है कंट्री के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीपेक का फेज 2, इसमें डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है, जैसे कि रोड्स, रेलवे, कनेक्टिविटी को ये इंप्रूव कर रहा है पाकिस्तान की चाइना के साथ, और फैसिलिटेट कर रहा है जो मूवमेंट ऑफ जो ट्रेड है उसको फैसिलिटेट कर रहा है, जो एक पॉपुलेशन ट्रांसफर है उसको फैसिलिटेट कर रहा है, इसके साथ साथ जो बिजनेस को ऑपरेट करने की फैसिलिटीज है उनको भी ये काफी ज्यादा इजी कर रहा है। एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जो सीपेक फेज 2 है उसमें काफी सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर, विंड पावर और कोल फायर पावर प्लांट्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। अब ये प्रोजेक्ट्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं पाकिस्तान की एनर्जी कैपेसिटी को, इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और जॉब क्रिएशन है उसको भी ये इम्प्रूव काफी हद तक कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में इससे क्या हो रहा है कि वर्क फोर्स इक्विप किया जा रहा है, नेसेसरी स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी के लिए, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है और स्किल डेवलपमेंट भी इससे हो रही है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फेज 2 जो वो प्रोवाइड कर रहा है, किस तरीके से जो ट्रेड रूट है, जो इन्वेस्टमेंट है वो बूस्टअप हो रही है पाकिस्तान और चाइना के दरम्यान में, और इससे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको काफी ज्यादा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट जो है वो उनकी रिक्वायर्ड प्रोग्रेस जो है वो उन्हें अचीव कर सकते हैं, और ये साथ साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनको इंक्रीज कर रहा है, पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको भी इंक्रीज कर रहा है। इन कंक्लूजन देखा जाए तो जो सीपेक फेज 2 है उसका काफी पोटेंशियल सिग्निफिकेंट है, पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है और ग्लोबलाइज कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, जो डेवलपमेंट है सेजेस की, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स का, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तमाम चीजें जो है वो इनको एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जो वो लेकर जा रहा है। तो यहाँ पे हमने सीपेक के जो बेनिफिट्स अचीव हो रहे हैं पाकिस्तान को उन्हें इस क्वेश्चन के अंदर वी हैव टू डिस्कस देम। इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव हाउ पाकिस्तान शुड कॉम्बैट फिफ्थ जनरेशन वॉर सक्सेसफुली। पाकिस्तान का जो फिफ्थ जनरेशन वॉर है वॉरफेयर, उसको किस तरीके से पाकिस्तान सक्सेसफुली कॉम्बैट कर सकता है। अब जो ये टर्म है फिफ्थ जनरेशन वॉर, 5GW, ये रेफर कर रही है जो नॉन काइनेटिक मेथड्स हैं वॉरफेयर के, जिसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो ICT का इंटीग्रेशन हो रही है काफी डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो पाकिस्तान इसको किस तरीके से कॉम्बैट कर सकता है, पाकिस्तान एक्चुअली में फेस कर रहा है 5G चैलेंजेस को, जिसमें डिस इन्फॉर्मेशन कंपेन्स भी हैं, साइबर अटैक्स भी फेस करने पड़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पर्पसेस हैं वो भी पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो अब कुछ वेज ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान 5GW को किस तरीके से सक्सेसफुली कॉम्बैट कर सकता है और इससे फायदा उठा सकता है, इसके जो नुकसान फेस करने पड़े हैं उसके बजाय इससे वॉरफेयर से पाकिस्तान बेनिफिट किस तरीके से ले सकता है या इसको किस तरह से सक्सेसफुली कॉम्बैट कर सकता है। डेवलपिंग द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है 5GW थ्रेट्स को जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली काउंटर करने के लिए। अब इस स्ट्रेटेजी में क्या होगा कि ऐसे मेजर्स लिए जाए साइबर सिक्योरिटी के,
इसमें आइडेंटिफाई किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए जैसे इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स को, और प्रमोट किया जाए मीडिया लिटरेसी को पब्लिक के थ्रू। ठीक है जी, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान अपने इंस्टीट्यूशन को जो है वो स्ट्रेंथन अप करे, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और इनको जो 5GW जनरेशन वॉर के जो थ्रेट्स हैं उनसे, ताकि वो अच्छे से कॉम्बैट कर सकें, अच्छे से फाइट कर सकें। और ये किस तरीके से होगा, बेटर ट्रेनिंग दी जाए, कोऑर्डिनेशन हो और रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपरली हो। एंगेजिंग विद पब्लिक, द पब्लिक इज एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द फाइट अगेंस्ट 5GW। पब्लिक हर जगह पे किसी भी फैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है। ठीक है जी, अब पाकिस्तान जो है अपनी पब्लिक को इस चीज में एंगेज करना है कि वो एजुकेशनल कंपेन्स में एंगेज करें, और जो सोशल मीडिया की जो इंक्रीज अवेयरनेस है, ताकि इसके जो डेंजर्स है, डिसइंफॉर्मेशन है, साइबर अटैक्स है, उसके बारे में वो कम्प्लीटली वेल इन्फॉर्म्ड हो, इससे बच सके। स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पाकिस्तान को जो है वो क्लोजली वर्क करना चाहिए दूसरे कंट्रीज के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि ये जो 5GW थ्रेट्स हैं इनसे बच सके। इसके साथ साथ जो शेयरिंग है इंफॉर्मेशन की और बेस्ट प्रैक्टिसेस की, जो कोऑर्डिनेशन है रिस्पॉन्सेज टू साइबर अटैक्स, और इसके साथ जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, उनके ऊपर पूरा उतरे, तो पाकिस्तान जो है वो अपनी इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाए तो अपने आप को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं अगेंस्ट, टू कॉम्बैट अगेंस्ट दिस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान नीड्स टू इन्वेस्ट इन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज टू स्टे अहेड ऑफ इट्स एडवर्टाइज इन द 5GW लैंडस्केप। इन्वेस्ट करना पाकिस्तान को बहुत जरूरी है, जो उसका कटिंग एज है टेक्नोलॉजीज के साथ, ताकि वो एक स्टेप आगे रहे इन 5GW लैंडस्केप से। इसमें टेक्नोलॉजीज हैं जैसे आर्टिफिशियल AI का यूज है, मशीन लर्निंग है, और काफी ज्यादा बिग डेटा एनालिटिक्स वगैरह इसमें इंक्लूडेड है। इन कंक्लूजन को देखिए, पाकिस्तान को एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेनी पड़ेगी 5GW के अगेंस्ट सक्सेसफुली, ताकि जो जिसमें जो डेवलपिंग स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन अप किया जा रहा है, इंगेज किया जाए पब्लिक को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है उसको स्ट्रेंथन अप किया जाए, टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट किया जाए, तो ये सब करने से पाकिस्तान जो है वो इफेक्टिवली अपने आप को 5GW के थ्रेट से जो है वो बचा सकते हैं, और अपनी इंटरनेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को जो है उसको भी सेव कर सकता है, वो प्रोटेक्ट कर सकता है। इन क्वेश्चन 6 वी हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मैंडेटरी है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए पाकिस्तान की, इसे हमने एलैबोरेट करना है इस स्टेटमेंट को। तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा एक क्रूशियल फैक्टर है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, एक स्टेबल एनवायरनमेंट होगा, उतनी ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और वो चीज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी बिल्डअप करेगी। कि जब एक पॉलिटिकल स्टेबल एनवायरनमेंट होगा तो गवर्नमेंट जो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकती है विदाउट बीइंग डिस्ट्रक्टेड, पॉलिटिकल टर्मोइल्स के ऊपर डिस्ट्रक्ट होने के बजाय वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ के ऊपर जो फोकस करेगी। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जो असेंशियल स्टेप्स हैं, असेंशियल वेज हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान के लिए, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन बी सिग्निफिकेंट डेटरेंट टू इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो एक सिग्निफिकेंट डेटरेंट होगा इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। इन्वेस्टर्स जो है वो रिलेक्टेंट हो जाते हैं इस ऐसे कंट्री में जहां पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो। ठीक है जी, इसके साथ साथ जहां पे कोई अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस हो कि यहाँ पे उन्हें फायदा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या जहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उस चीज को प्रॉपरली यूज करने के लिए आपस में इस चीज के ऊपर लड़ना शुरू कर देंगे, एक इनस्टेबल कंडीशन, इंस्ट्रेंट कंडीशन पैदा हो जाए, तो ऐसी जगहों पर इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट अपने बिजनेस में नहीं करते हैं। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो ये चीज इश्यू करेगी, बट इन केस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स जो वहां पे जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो वो अट्रैक्ट करेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और जॉब्स और लीडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जो वो पाकिस्तान लीड करेगा। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट एनेबल करता है गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए, अपनी जो उसके लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसीज है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए। इन कंट्रास्ट अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो जो पॉलिसी है वो रिवर्स हो जाएगी, डिले होगी, और काफी हार्मफुल होगा ये बिजनेस और इकोनॉमी के लिए। फिसल एंड मैंडेटरी पॉलिसी देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी असेंशियल है, एक बहुत जरूरी चीज है फिसल और मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो गवर्नमेंट है वो इंप्लीमेंट करती है पॉलिसीज को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो मेंटेन करती है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है जबकि, और जैसे कि माइक्रो इंस्टेबिलिटी में आ जाती है, लो इन्फ्लेशन हो गई, लो इन्फ्लेशन जो गुर्बत का रेट है और जो एक्सचेंज रेट्स वगैरह उनको स्टेबल कर देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रूशियल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए।
जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक स्टेबल फंडिंग चाहिए, उनके अंदर कंसिस्टेंट पॉलिसीज रिक्वायर है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन चीजों को डिस्टर्ब कर देती है, पॉलिसीज को डिस्टर्ब करती है, पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, और ये तमाम चीजें लीड करती हैं डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स की तरफ। बिजनेस कॉन्फिडेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाइटल है, इंपॉर्टेंट है बिजनेस कॉन्फिडेंस के लिए। एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंकरेज करेगा बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान के अंदर, और ये चीजें जो जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लीड करती है। इन कॉन्क्लूजन अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री के इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर हर तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहाँ पे साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज के इंप्लीमेंट के लिए जरूरी है, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है, जॉब क्रिएशन के लिए जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इनस्टेबिलिटी होगी तो ये तमाम चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट करने के लिए लाजमी फोकस करना चाहिए, और ऐसी पॉलिसी, ऐसी स्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट करनी चाहिए जिसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्रिटिकली इवैल्यूएट द वैल्यूएशन ऑफ मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे क्रिटिकली इवेल्युएट करना है जो मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो किस तरीके से उसमें इवेल्युएशन हुई, इस चीज को हमें इवेल्युएट करना है। जो एवोल्यूशन है मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी के लिए सब कॉन्टिनेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहा, काफी सदी तक चलता रहा, एक सदी एक एक सेंचुरी का ड्यूरेशन इसमें लगा। जो कॉन्सेप्ट था सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी का वो इमर्ज हुआ एज अ रिस्पॉन्स ऑफ परसीव डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स बाय द हिंदू डोमिनेटेड ब्रिटिश राज एंड द हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन। अब ये कॉन्सेप्ट जो है इमर्ज हुआ एक्चुअली में उस वक्त जब मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज किया गया, जो हिंदू डोमिनेटेड ब्रिटिश राज था उन्होंने जो है वो अपने आप को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी, हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन को प्रेफरेंस दी और मुस्लिम्स को बिल्कुल टोटली मार्जिनलाइज कर दिया। ठीक है, तो इस चीज ने काफी एक स्ट्रेंट सिचुएशन पैदा की और यहाँ से जो आइडिया था एक सेपरेट नेशन का, सेपरेट मुस्लिम स्टेट का, वो इमर्ज हुआ। ठीक है जी, और यहाँ से मुस्लिम्स की जो एवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुई। अब कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो कि ऐसे फैक्टर्स के तौर पे माने जाते हैं कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया मुस्लिम्स के एवोल्यूशन के अंदर एक सेपरेट आइडेंटिटी होंगी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। सबसे पहले उसमें अराइवल ऑफ ब्रिटिश राज था। जो ब्रिटिश राज का अराइवल था उसमें क्या हुआ कि सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर। हिंदूज ने जो वो बहुत तेजी से ब्रिटिश सिस्टम को अडेप्ट किया गवर्नेंस के, एजुकेशन को, जबकि मुस्लिम जो वो इनिशियली इस चीज से रेजिस्ट कर रहे थे और वो अंग्रेजी तालीमात या ब्रिटिश तालीमात जो उन्होंने हासिल करने के लिए इतना फोकस नहीं किया। लेकिन इंडिया ने, इंडियन मुस्लिम्स ने फौरन इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया और एजुकेशन और गवर्नेंस जो है वो टोटली ब्रिटिश सिस्टम के जो है वो पैरेलल कर ली। लेकिन मुस्लिम जो है इस चीज के लिए इनिशियली काफी ज्यादा रेजिस्टेंट थे और इस चीज ने मुस्लिम्स को काफी मार्जिनलाइज किया। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी, जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है जी, जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें जो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन थी 1906 के अंदर, इसने एक बिगनिंग का तौर पे काम किया। इट एक्चुअली मार्क्ड एज अ बिगनिंग ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टिनेंट। और मुस्लिम लीग प्राइमरी गोल जो था वो क्या था कि मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। टू नेशन थ्योरी जो एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट इसका ये था कि जो मुस्लिम्स हैं और हिंदूज हैं ये एक्चुअली में सेपरेट नेशंस हैं, इनके सेपरेट कल्चर्स हैं, सेपरेट रिलीजन है, सेपरेट लैंग्वेज है, डिफरेंट इनकी जो पॉपुलैरिटी है इस फिर थ्योरी ने जो काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी ली अर्ली 20th सेंचुरी में। और जो टू नेशन थ्योरी है ये एज अ बेसिस फॉर डिमांड फॉर सेपरेट मुस्लिम होमलैंड के तौर पर सामने आई। मुस्लिम लीडर्स रोल की अगर हम देखें यहाँ पे बात करें तो जो मुस्लिम लीडर्स का रोल रहा, सर सैयद अहमद खान हो गया, अलामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया मुस्लिम्स को आर्टिकुलेट करने के लिए, उनकी जो ग्रीवियंस थी सेपरेट मुस्लिम स्टेट को एडुकेट किया और काफी अहम रोल प्ले किया मुस्लिम के लिए एक सेपरेट नेशन दिलवाने के लिए। पार्टीशन ऑफ इंडिया को देखें तो पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 के अंदर एक कल्मिनेशन थी डिमांड सेपरेट मुस्लिम होमलैंड की, इनके थे यहाँ पे जो क्रिएशन थी पाकिस्तान की वो एक बिगनिंग के तौर पे, एक न्यू फेस के तौर पे मुस्लिम्स के सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे ये चीज सामने आई और पार्टीशन हुई इंडिया की 1947। इन कंक्लूजन अगर देखा जाए तो मुस्लिम की सेपरेट स्टेट आइडेंटिटी सब कॉन्टिनेंट के अंदर एवोल्यूशन जो उनकी हुई, ये प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, इसमें बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इवेंट्स इन्वॉल्व हैं, काफी ज्यादा हिस्टोरिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो ये जो है वो एक्चुअली में जो मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज किया गया, जो उनकी डिस्क्रिमिनेशन हुई हिंदू डोमिनेटेड ब्रिटिश राज की तरफ से, हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन की तरफ से, तो ये तमाम चीजों ने एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि मुस्लिम्स इसमें मार्जिनलाइज हुए। तो अगेन उनका रिवाइवल हुआ, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई, टू नेशन थ्योरी आई और मुस्लिम लीडर्स के अहम रोल प्ले किया उन्होंने, और इस तरीके से जो एवोल्यूशन थी मुस्लिम्स की वो शेप अप हुई और मुस्लिम एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पर सब कॉन्टिनेंट में सामने आए।
इन क्वेश्चन एट वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स. पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर जो रोल रहा रीजनल और नेशनलिस्ट पॉलिटिक पार्टीज का वो क्या रहा. ठीक है जी. अब रीजनल और नेशनल पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज इनका रोल देखा जाए तो एक सिग्निफिकेंट रोल है इनका पाकिस्तान पॉलिटिक्स के अंदर. ठीक है जी. जब से कंट्री बना सेंस ऑफ कंट्रीज इंसेप्शन 1947 एक पार्टी ये सब पार्टीज जो है इन्होंने ज्यादातर फोकस किया रीजनल इश्यूज के ऊपर और एडुकेट किया जो उनकी ग्रेटर ऑटोनॉमी थी और रिप्रेजेंट उन्होंने दी अपनी रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू अपने प्रोविंसेस की तरफ. अब कुछ मेजर रीजनल और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के अंदर उनका क्या रोल रहा पॉलिटिक्स के अंदर वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. डिफरेंट पार्टीज का अवामी नेशनल पार्टी एएनपी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि बेस कर रही थी किसके खैबर पख्तूनख्वा केपीके के ऊपर. ठीक है जी. पख्तून पार्टी थी. द पार्टी हैज ट्रेडिशनली फोकस्ड ऑन पश्तून नेशनलिज्म के ऊपर इसका मेन फोकस रहा और इसके साथ साथ इसकी जो ग्रेट रिप्रेजेंटेशन ऑटोनॉमी थी प्रोविंस के लिए हो रही. बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बीएनपी इसका पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड हुई बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर. ठीक है जी. अब इस पार्टी की जो एडवोकेसी थी वो सारी ग्रेटर ऑटोनॉमी की क्या थी अपने प्रोविंस के ऊपर थी और इन्होंने अक्सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज को बलूचिस्तान के ऊपर जो की रही उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया. मुतहिदा कौम मूवमेंट एमक्यूएम रीजनल पार्टी ये इस तरह की पार्टी थी जो कि अर्बन एरियाज ऑफ सिंध प्रोविंस के ऊपर पर्टिकुलरली कराची के ऊपर बेस्ड कर रही थी और इस पार्टी का जो ट्रेडिशनली फोकस था जो उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है प्रोविंस के अंदर उनके जो राइट्स हैं उनके लिए कुछ पॉलिसीज इन चीजों के ऊपर एडुकेट कर रहे थे और काफी ज्यादा एक ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑटोनॉमी थी उनकी अर्बन एरियाज के ऊपर. पख्तून खानी अवाम पार्टी पीकेएमएपी इसकी पॉलिटिकल पार्टी जो बेस करी थी बलूचिस्तान और केपीके प्रोविंसेस के ऊपर. ठीक है जी. अब इस पार्टी का जो ट्रेडिशनली फोकस था वो पश्तून नेशनलिज्म के ऊपर था और जो ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन थी ऑटोनॉमी पश्तून पॉपुलेशन की इसका सारा फोकस वहां पर था. अब रीजनल नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो है मोक्सली क्या करती है वो अपनी फोरफ्रंट करती है डिमांड को और ग्रेटर ऑटोनॉमी रिप्रेजेंटेशन जो है वो देती है अपने प्रोविंस की जिस प्रोविंस से वो ज्यादा बिलोंग कर रही है. अब इनका जो इन्फ्लुएंस है नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर वो कुछ लिमिटेड है क्योंकि इनकी जो जो डोमिनेंस होती है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की होती है जो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है. अब ये पार्टीज जो है इनको काफी अक्सर एक्यूजेशन का भी सामना करना पड़ता है कि ये जो है वो सेपरेटिज्म को ज्यादा फरोग दे रहे हैं या फिर इनका जो सब्जेक्ट है वो क्रैकडाउन की तरफ है सेंट्रल गवर्नमेंट की और इस तरह की एक सिचुएशन जो है वो कंट्री में रनिंग की सिचुएशन में रनिंग में फ्लो में रहता है ये तमाम सिनेरियो. इन कंक्लूजन देखा जाए तो ये जो रीजनल नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज है इनका सिग्निफिकेंट रोल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर कि ये काफी ज्यादा जो है वो ऑटोनॉमी और रिप्रेजेंटेशन देती है अपने जो रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस है उनकी और इनका जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी काफी ज्यादा नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो एक लिमिटेड इफेक्ट होता है लेकिन साथ साथ इनको जो चैलेंजेस हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज और सेंट्रल गवर्नमेंट के वो भी साथ में फेस करने पड़ते हैं. तो यहाँ पे हमने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिनेरियोज है वो किस तरीके से अफेक्ट कर रही है रीजनल और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसके ऊपर क्या अफेक्ट है तो वो यहाँ पे हमने डिफरेंट पार्टीज का रीजनल पार्टीज का डिस्कस करना है. यहाँ पे हमारा 2021 का पेपर जो है वो कम्प्लीट हो गया है. Thank you so much. Allah Hafiz.